जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास, क्लास 11, चैप्टर 4, किंगडम एनिमेलिया। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस मीन्स स्पिनी, स्पिनी होता है, डर्मेटा मीन्स स्किन, डर्मिस से आया है, डर्मेटा माने होता है स्किन एंड इकाइनो माने होता है स्पिनी। सो स्पिनी बॉडी हम कह सकते हैं या स्पिनी स्किन, स्पाइन लाइक स्किन, ठीक है, कांटेदार जिसको हम बोल सकते हैं। सो इसमें जो मेंबर्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिनी बॉडी। ओके, नाउ ये जो मेंबर्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा, दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ठीक है, इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो कैलकेरियस ऑसिकल्स से बनी हुई होती है, कैल्शियम से। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, इसमें कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं प्रेजेंट होता है, सारे ही फॉर्म्स जो हैं जितने भी इकाइनोडर्मेटा में स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो सब मैरीन होती हैं। ओके, देन दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड then the basic characteristic are same, that is they are coelomate, okay, then organ system level organization, triploblastic। now very important thing, one more important point है जो कि मैंने yellow color से underline किया है बेटा, you can see on your screen, कि जो echinoderms होते हैं, echinoderms जो हैं, हमने बात की थी symmetry की, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था तीन ही ऐसे फाइलम्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। एक आपका सिलिंट्रेट था, दैट देन टीनोफोरा एंड द लास्ट वाज इकाइनोडर्मेटा। सो इकाइनोडर्मेटा जो है वो भी अडल्ट्स, इकाइनोडर्म्स की बात करें तो अडल्ट्स जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट लार्वा जो है, इनकी लार्वल फॉर्म है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, उसमें जो सिमेट्री पाई जाती है दैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल्स दे आर। ओके, देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज़ वेल डेवलप्ड, कंप्लीट होता है, विद माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर और यू कैन से डॉर्सल साइड। ओके, नाउ वन मोर डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज, एक और इम्पॉर्टेंट इनका फीचर है जो कि सबसे अलग है, दैट इज़ वाटर वस्कुलर सिस्टम। ओके, वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में भी, कैप्चर में भी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये वाटर जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है ये इतने वर्क में हेल्प करता है, लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड लास्टली रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। नाउ जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, दे डोंट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्वेश्चन है कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है तो कैसे एक्सक्रीटरी मैटर रिमूव होगा, तो इनके बॉडी में जो है ये अमीनोटेलिक होते हैं, अमोनिया ये एक्सक्रीट करते हैं और अमोनिया जो है वो रेस्पिरेटरी सर्फेस से ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है। ओके, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस, तो ये ईजिली जो है बॉडी सरफेस जो इनकी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उससे ये ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है इन्वायरमेंट में। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज़ दे आर डायोशियस। रिप्रोडक्शन जो है इसमें सेक्चुअल होता है। ओके, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट। जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर फाइलम की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, अब आप देख रहे हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इससे पहले हमने देखा मोलस्क, देखा हमने ऑर्थोपोडा, देखा सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट था। ओके, फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एक्सटर्नल होता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर, कि जैसे कि हमने देखा था ऑर्थोपोडा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, लेकिन इसमें एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और पानी में जो है एग्स और स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो है इन केस ऑफ इकाइनोडर्म इट इज़ इनडायरेक्ट, नो डायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन इन इकाइनोडर्मेटा।
ओके और ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है दैट मींस कि यहाँ लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी. सो फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है और ये लार्वल फॉर्म फाइनली अडल्ट में चेंज हो जाती है. ओके सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ओके नाउ एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं स्टारफिश, यूआरा फैमिलिया जिसको एस्टेरियस भी बोलते हैं, देन इकाइनस दैट इज़ कॉमनली नोन एज सी अर्चन, एंटीडॉन जो कि सी लिली होता है इसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, देन क्यूक्यूमेरिया दैट इज सी कुकुम्बर, ये जो है कुकुम्बर की शेप का होता है, कुकुम्बर सब जानते हैं खीरा तो इसीलिए उसको क्यूक्यूमेरिया दिया हुआ है नाम, देन ऑफ्यूरा दैट इज ब्रिटल स्टार. ओके सो दो आप ये ऑफ्यूरा की फिगर अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज़ गिवन. ओके सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ओके सो नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फाइलम. नाउ ओनली टू फाइलम्स आर लेफ्ट. ओके सो दैट वी आर टेकिंग अप इन आर नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीबडी.